तमिलनाडु में वो एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर ने मुझे जब रेस्ट करने की सलाह दी तो करीब 2-2.5 महीने तक मैंने अपने सिस्टर के घर पे श्री सिटी आंध्रा में रुक करके रेस्ट किया, और उसके बाद मैं आज 14 जून को आंध्रा में अपना सफ़र शुरू कर रहा हूँ। मेरी सिस्टर ने मुझे बहुत सारे ब्यूटीफुल स्टिकर्स दिए हैं जिसको मैंने अपने साइकिल के फ्रंट बास्केट पर चिपका दिया है, और अब मेरी साइकिल वाकई बहुत खूबसूरत दिख रही है। जब मैं 2.5 महीने यहाँ इस सोसाइटी में रह रहा था तो यहाँ के डॉग्स को जब मैं खाने के लिए खाना और बिस्किट दिया करता था तो उनके साथ मेरी अच्छी दोस्ती हो गई है। इसका नाम चार्ली है और ये शायद मुझे बाय बाय करने के लिए आया है। सुबह के 7 बजे का टाइम है और मैंने अपना सफ़र शुरू किया। माना आज मौसम बादलों वाला है लेकिन इसके बावजूद भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है और गर्मी भी। जल्दी ही मैं NH-16 पर कनेक्ट हो जाता हूँ। जिस जगह मैं पहुंचा हूँ इसको तड़ा कहा जाता है, और यहाँ की मार्केट में हम अक्सर हरी सब्जियाँ लेने के लिए आते थे अपने क्यूट से प्यारे से रैबिट के लिए जिसका नाम मिकी है। हमेशा यहाँ पर भीड़ रहती है, आज भी इस वक्त भी वैसा ही है। करीब 1 घंटा राइड करते हुए हुआ होगा, गर्मी के मारे बुरा हाल हो गया है और इतने लंबे गैप के बाद राइड करना वाकई बहुत मुश्किल हो जाता है। विजयवाड़ा 357 किलोमीटर है, नेल्लूर 87 किलोमीटर और विशाखापट्टनम है 750 किलोमीटर। जल्दी मैं पहुँच गया इस जगह पर जिसे सुलूरपेटा के नाम से जाना जाता है। मैं थक चुका था, सुबह के 9 बजे का टाइम हो चुका था और इस वक्त मैं अपना पहला लंबा ब्रेक लेने की तैयारी करता हूँ। अपनी साइकिल में पास में खड़ी कर देता हूँ और एनर्जी गेन करने के लिए एक आम खाना शुरू कर देता हूँ। तभी मुझे रोड के दूसरी तरफ कुछ आइसक्रीम कार्ट आकर के रुकती हुई दिखाई पड़ती है। वहां से एक लड़का उतर के रोड क्रॉस करके मेरी तरफ आता है और देखिए हमारी क्या बातचीत होती है। आइसक्रीम फॉर मी? हाँ खाइए जी। आप क्या, आप आइसक्रीम बेचते हो? हाँ आइसक्रीम सेलिंग करता हूँ। आपको देखा मैंने, आप बहुत दूर से चल के आ रहे हो इसलिए सोचा कि सबसे पहले मैं आप आते हैं। नाम क्या आपका? प्रदीप। मेरा नाम अमित है। कहाँ के रहने वाले? यूपी फतेहपुर से हूँ मैं। ये कानपुर से आगे पड़ता है, इलाहाबाद से पहले। यार अब सी Look at this man. But मैं इसके पैसे दूंगा। नहीं पैसे नहीं, ऐसे नहीं लूंगा। मैं पैसे नहीं। आपको हिसाब देना पड़ेगा। नहीं मैं कोई दिक्कत नहीं, वो चलेगा। मैं जेब से मत दो। मैं कोई ज्यादा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप नहीं, मैं देना चाहता हूं। नहीं सच में देना। मैं नहीं लूंगा, मैं बिल्कुल भी पैसे नहीं लूंगा। So look at this man. Thank you, Pradeep. Thank you, bhai. Thank you. You're welcome. So ride का पहला दिन, पहला ब्रेक, और कितनी शानदार चीज हुई मेरे साथ आज। मैं वही खड़ा हुआ उसको वापस जाता हुआ देखता रहा तब तक जब तक वो आइसक्रीम कार्ट के साथ अटैच की हुई मोटरसाइकिल को स्टार्ट करके आगे तक चला नहीं गया। यही सब चीजें हैं जो मेरे देश को मेरा देश बनाती हैं और मुझे अपने इंडियन होने पर, भारतीय होने पर गर्व महसूस होता है। 30 मिनट साइकिल चलाने के बाद मैं रोड साइड पे एक बस स्टॉप के बाद दूसरा लंबा ब्रेक लेता हूँ। करीब 10:30 बजे का टाइम हो चुका था, मुझे जोर से भूख लगी थी तो सिमिलर से लुकिंग वाले एक और बस स्टॉप के अंदर बैठ करके मैं घर से लाया हुआ राइस, दाल और कर्ड मिक्स करके खाता हूँ। पूरा नहीं खा पाया तो मैंने आधा खाया और आधा वापस पैक कर दिया। करीब 12:30 बजे मुझे फिर से भूख लगाई थी तो सड़क के किनारे ही पेड़ की छाया में बैठ करके मैंने बाकी का राइस, कर्ड और दाल भी फिनिश कर दिया और वहीं पर करीब 2 घंटे तक लेट करके आराम किया। जब मौसम थोड़ा ठंडा हो गया 4 बजे के आसपास, मैंने वहां से फिर अपनी साइकिलिंग की राइड स्टार्ट की। मौसम अभी भी बादलों वाला था लेकिन ह्यूमिडिटी और गर्मी दोनों ही बहुत ज्यादा थी। करीब 4:30 बजे मुझे रोड साइड पे एक टी शॉप नजर आती है, वहां जाके मैं 10 रुपए दे करके एक कप चाय पीता हूँ और अपनी पानी की बोतल को वापस रिफिल करके आगे बढ़ता हूँ। यही वो वक्त है जब मुझे कॉल आता है कि क्या आप मंडे ट्यूसडे एक ट्रेनिंग करने के लिए अवेलेबल हो। मैंने कहा हाँ मैं अवेलेबल हूँ, अरेंज करके रुक जाऊंगा। 5:20 का टाइम हो चुका था, सन थोड़ा नीचे की तरफ आ गया था। पिछले 2-3 दिन पहले यहाँ पर बारिश होकर के हटी है इसलिए पूरे ग्राउंड में घास एकदम ग्रीन है और बहुत सारे गाय भैंस है जो यहाँ पर घास चर रही है। करीब करीब 6 बज चुके थे, बहुत ज्यादा थक चुका था। हर 1-2 किलोमीटर के बाद मैं ब्रेक ले रहा था, साइकिल चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। व्हेन यू राइड आफ्टर अ ब्रेक this kind of thing happened, huh? I'm taking stops after a few meters rather on this highway itself. Look at how plain the road is, but I'm not able to ride on it, man. When you become out of practice, this is the challenge which you face. I'm dying today. पता नहीं और कितना क्या करना पड़ेगा यार। ये दिक्कत होती है जब आप बहुत दिनों के बाद राइड करते हो तो जब आप सीट पे काफी लंबे टाइम तक बैठे रहते हो तो आपके जो ग्लूट्स है वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है जिसकी वजह से सीट पे बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है और यही मेरे साथ हो रहा है। अगले 3-4 दिनों में ये ठीक हो जाएगा। 6:15 बज चुके थे, सनसेट करीब करीब हो चुका था और यही वक्त था जब उस लाल सूरज के नीचे से एक ट्रेन गुजर करके जाती है और क्या शानदार व्यू था वो। ऐसा लगता था कि आसमान में बहुत सारे रंग और टेक्नोलॉजी का रंग एक साथ मिक्स हो गया हो।
जल्दी एक साइन बोर्ड नजर आता है जिसपे लिखा था नायडू पेटा 4 किलोमीटर। अंधेरा हो चुका था, गाड़ियों की लाइटें ऑन हो गई थी। जल्दी मुझे रोड के साइड में एक पेट्रोल पंप नजर आता है। जब मैं वहां जाकर उनको ठहरने के लिए पूछता हूं, तो उनका पहला रिस्पांस होता है कि नहीं, यहां नहीं ठहर सकते, परमिशन नहीं है। जब मैं उनसे पूछता हूं कि क्या कोई और जगह है जहां जाकर के मैं रुक सकता हूं, तो उन्होंने कहा कि 15 किलोमीटर आगे जाके टोल प्लाजा है, उसकी पार्किंग में आप टेंट लगा के सो सकते हो। जब मैं उनको कहता हूं कि मेरी साइकिल में टेल लाइट नहीं है और अंधेरे में हाईवे पे राइड करना बहुत रिस्की हो जाएगा, तो उन्होंने मेरी बात को समझते हुए कहा कि फिर ठीक है, आप उस कॉर्नर में जाके टेंट लगा लो, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे स्नेक्स यानी सांप घूमते हैं, कुछ अगर हो गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। गर्दन हिलाकर उनको सहमति देता हूँ और जाकर के कॉर्नर में अपनी साइकिल खड़ी कर देता हूँ और वहीं बाहर बैठ करके सबसे पहले अपने मसल्स को रिलैक्स करता हूँ, बॉडी को कूल डाउन करता हूँ। जोर से फिर भूख लग चुकी थी। इसी पेट्रोल पंप के एडजॉइनिंग में राजस्थानी ढाबा है, तो मैं वहां जाकर 4 चपाती और 1 प्लेट दाल 70 रुपए में खाता हूँ और वापस आकर के अपना टेंट लगाता हूँ। करीब आधा घंटा ही हुआ था, शरीर से पसीना टिप टिप गिर रहा था, अंदर टेंट के रह पाना बहुत मुश्किल था। सो द प्रॉब्लम इज इट्स वेरी हॉट, सो आई हैव रिमूव्ड द टेंट एंड सी हाउ आई एम स्वेटिंग, आई एम टोटली वेट, द स्वेट वाज ड्रॉपिंग ऑफ फ्रॉम मी, दैट इज व्हाई आई हैव रिमूव्ड द टेंट एंड कम आउटसाइड, बिकॉज हियर इट्स आउटसाइड इज बेटर देन स्टेइंग इनसाइड द टेंट। दिस इज माई लगेज, दैट्स माई बाइसिकल। आई डोंट नो व्हाट टू डू, इट्स सो हॉट हियर इन आंध्रा, it's killing man, it's been 15 or 20 minutes I'm suffering because of this hot weather। तो मैंने अपना टेंट वापस हटा दिया और मॉस्किटो नेट लगा करके उसमें मैं लेट गया। मॉस्किटो नेट लगाने की एक ही प्रॉब्लम है कि आप बाहर की दुनिया के साथ एक्सपोज हो जाते हो, तो अगर वो सांप वाली बात सही निकली तो मेरे लिए सांप का खतरा बढ़ जाएगा। तो एक तरफ सांप का खतरा है और एक तरफ गर्मी है, तो मैंने गर्मी से राहत को चूज किया। सांप जो करेगा वो बाद में की बात है, देख लेंगे। मेरा आज का टोटल खर्चा 80 रुपए का है, 10 रुपए की चाय, 70 रुपए का राजस्थानी ढाबे पे खाया हुआ डिनर। सच कहूं तो आंध्रा सच में मेरी बहुत परीक्षा ले रहा है, स्पेशली इस गर्मी की वजह से मैं ज्यादा परेशान हूँ, लेकिन यहाँ के लोगों की काइंडनेस ने सच में मेरा दिल जीत लिया है। जानते हो तमिलनाडु के कंपैरिजन में यहाँ अच्छी चीज क्या है, यहाँ पे लोगों से मैं बात कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ के लोग हिंदी भी समझते हैं और इंग्लिश भी समझते हैं। आज के वीडियो में इतना ही है, ऐसी शानदार सी कहानियों के लिए और मेरी यात्रा के वृतांत के लिए साइकिलिंग बीस को जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि मेरी सारी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।